जो देश लगातार भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचता रहा, जिस देश ने पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जहर उगला, आज उसी देश पर मुश्किल आई तो भारत ने बिना देरी किए मदद का हाथ बढ़ा दिया। आपको बता दें कि ये देश तुर्की है। तुर्की जहां 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचा दी। तुर्की में आए इस भयानक भूकंप से जान माल का काफी नुकसान हुआ है। बताया जा रहा है कि करीब 1000 लोगों की मौत हो गई है। ये आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। तुर्की में आया ये भूकंप इतना तेज था कि कई बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है ताकि मलबे में फंसे हुए लोगों को बचाया जा सके। आपको बता दें कि तुर्की ने कश्मीर मुद्दे पर कभी भी भारत का साथ नहीं दिया। तुर्की भारत के खिलाफ पाकिस्तान की हां में हां मिलाता रहा, लेकिन इसके बावजूद मुश्किल घड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तुर्की को मदद की पेशकश की है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके कहा कि तुर्की में आए भूकंप से जो नुकसान हुआ है उससे मैं बेहद दुखी हूँ। मैं पीड़ित परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूँ। इसके बाद पीएम मोदी ने कहा कि भारत इस दुख की घड़ी में तुर्की के लोगों के साथ खड़ा है और उसे इस आपदा की घड़ी में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। जानकारी के लिए बता दें कि भारत एनडीआरएफ की 2 टीमें तुर्की भेज रहा है। इन दोनों टीम्स में एनडीआरएफ के 100 जवान शामिल हैं। इसके अलावा रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करने के लिए भारत ट्रेंड डॉग्स भी भेज रहा है। भारत तुर्की में एक मेडिकल टीम भी भेज रहा है जिनमें कई डॉक्टर्स शामिल हैं। भारत तुर्की को राहत सामग्री भी भेज रहा है जिनमें दवाइयां और दूसरी जरूरी चीजें शामिल हैं। आपको बता दें कि भले ही तुर्की ने कभी भी भारत का साथ ना दिया हो, लेकिन भारत मानवता के लिए तुर्की के साथ खड़ा है। यही भारत की विदेश नीति की सबसे बड़ी ताकत है। जाते जाते आपको बता दें कि तुर्की भारत की इस मदद को कई दशकों तक याद रखेगा। तुर्की कश्मीर के मुद्दे पर अपना रुख बदले या ना बदले, लेकिन भारत हमेशा सही के साथ खड़ा रहेगा।